हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से देख ही सकते हैं कि मैं इसमें आपको WPI, CPI और GST कलेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है WPI, जो कि है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली इसका जो बेस ईयर होता है वो 2011-12 होता है, और ये जो है इसको रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी DPIIT के अंडर। जो DPIIT फुल फॉर्म होती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको सबको पता है कि वो पीयूष गोयल है। देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने आपको इसमें लिस्ट दी है जनवरी से दिसंबर की। बेसिकली दिसंबर का भी WPI रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आप नवंबर तक का देख सकते हैं। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंथ का जो था हाईएस्ट था WPI। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। और ये भी है कि इसमें फैक्ट ये आता है कि नवंबर में जो 5.85% है वो 21 मंथ्स का सबसे लो अब तक का WPI है। तो जो सेकेंड टॉपिक है वो है CPI, जो कि होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसको, इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर निकालती है, वो भी NSO डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के जो मिनिस्टर हैं वो है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं। मैंने सेम लिस्ट मेंशन की है जनवरी से दिसंबर की, और इसमें वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। या तो वो रिसेंट पूछ लेंगे आपसे कि दिसंबर का क्या है, या तो फिर यही पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा CPI कब तक का। जो अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है GST कलेक्शन। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की लिस्ट है। इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंथ का कितना GST कलेक्शन रहा है। तो आप इसमें इस सबको रिवाइज करके जाइए, और क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका कल SBI क्लर्क है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो थैंक यू।